नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। जाग उठा भारत देख रहे हैं आप। तमाम खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं। देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि देश भर से क्या तमाम बड़ी खबरें आपको बताने वाले, लेकिन इस बुलेटिन की बात करें तो तीन बड़ी खबरें जिस पर रहेगी हमारी नजर। अब आपको बताते हैं कि आखिर वो तीन बड़ी खबरें क्या है। सबसे पहले कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली, इसको लेकर बवाल छिड़ गया है। और बवाल दरअसल इसलिए क्योंकि एक सांसद की तरफ से क्या टिप्पणी की गई है वो आपको हम बताने वाले हैं। इसके अलावा ये भी आपको लगातार हम बता रहे हैं कि क्या माफी काफी है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। रावण का कांवड़ संवाद जो आपको बता रहे हैं, सांसद ने जो कहा वो आपको लगातार बता रहे। इसके अलावा नासा की तरफ से अब लगातार देखिए वापसी की कोशिशें की जा रही है। एक खबर आपको ये भी बताएंगे कि नया कानून, जो कि आज नए कानून तीन लागू होने वाले, इसके बारे में भी आपको जानकारी विस्तार से देंगे कि आखिर वो तीन नए कानून जिनसे कुछ चीजें बदलने वाली है उसके बारे में भी आपको इसी बुलेटिन में जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, आधे घंटे नहीं बड़ी खबरों पर नजर रहेगी। नए भारत में आज से नए कानून लागू होंगे और आज आपको बताएंगे कि क्या क्या बदलाव आने वाले हैं और उसका असर किस किस तरह से देखने को मिलेगा। इसके अलावा रावण का कांवड़ संवाद, क्योंकि देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि सांसद चंद्रशेखर आजाद की तरफ से एक टिप्पणी की गई है और 23 जून का एक वीडियो बताया जा रहा है। इसी वीडियो को लेकर के कई सवाल खड़े हुए हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आखिर क्या कहा है वो भी आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल, आखिर ऐसा कौन सा बयान है कि विवाद देखने को मिल रहा है आपको, ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि क्या वो बयान है जिसकी वजह से अब विवाद खड़ा हो रहा है। दरअसल रावण का कांवड़ संवाद क्या है मामला, क्या देश एक ही धर्म और दूसरे धर्म की इज्जत नहीं है, एक ही धर्म का है देश, इस तरीके का मामला सामने आया, और क्या उनकी कोई आस्था नहीं है, सम्मान नहीं है, ये बात कही गई है चंद्रशेखर की तरफ से। इसके अलावा उन्होंने कहा एक धर्म को टारगेट करोगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। देखिए, एक तरफ जहां उपचुनाव करीब है उत्तर प्रदेश में, तो दूसरी ओर अब सियासत गरमाती दिखाई दे रही है। 10 दिन कांवड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, ये उन्होंने बयान दिया है कांवड़ यात्रा की, क्योंकि देखिए जल्द ही शुरुआत होने वाली है सावन का महीना और इसमें कांवड़ यात्रियों के लिए होटल बंद करवा दिए जाते हैं, कांवड़ के दौरान अस्पताल बंद होते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा क्या कुछ कहा बताते हैं आपको, आस्था को ठेस नहीं पहुंचे इसलिए लोग सहते रहते हैं, 20 मिनट ईद वाले दिन नमाज तो कहते हैं होने नहीं देंगे, और दूसरी ओर जब कांवड़ की बात होती है तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस तरीके का बयान उनकी तरफ से आया।